हेलो फ्रेंड, डिजिटल वर्ल्ड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सीरीज सीख रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं वो बने हुए रहते हैं इन डिवाइसों के द्वारा। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू भी बोला जाता है, और स्टोरेज यूनिट। तो ये चार कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनपुट यूनिट क्या होता है। इनपुट यूनिट को इनपुट डिवाइसेस भी बोला जाता है। तो कंप्यूटर का वैसा डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर में हम डेटा एंट्री करते हैं या किसी तरह का इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि हम एक कैलकुलेटर ओपन करते हैं, इसमें हमको एक कैलकुलेशंस करना है कि 90 × 90 प्लस 36 क्या होता है। तो हमने ये जो डेटा 90 × 90 प्लस 36 एंट्री किया है, जिस डिवाइस के द्वारा किया है उस डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर पे काम करना हो तो हमको डेटा एंट्री करना पड़ता है, और जिस डिवाइस के द्वारा हम डेटा कंप्यूटर में एंट्री करते हैं या कंप्यूटर को किसी तरह का काम करने का इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वैसे डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो ये जो डेटा मैंने एंट्री किया माउस के द्वारा किया, तो वैसा डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में डेटा एंट्री करते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। इस डेटा को हम चाहते हैं तो कीबोर्ड से भी एंट्री कर सकते थे। तो कंप्यूटर का वैसा डिवाइस जिससे डेटा एंट्री होता है, तो हम माउस से भी एंट्री कर सकते हैं, हम कीबोर्ड से भी एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो वैसा डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा एंट्री किया जाता है उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। एंट्री करने के बाद ये प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट देगा। जैसे हमने इक्वल टू किया तो हमें ये आंसर आया। तो ये हम डेटा का आउटपुट कहाँ पर देख रहे हैं, तो मॉनिटर पे देख रहे हैं। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हुआ। तो जिस डिवाइस के द्वारा हम लोग डेटा एंट्री करते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिसके एग्जांपल कीबोर्ड हैं, माउस है, स्कैनर है, माइक है, और भी बहुत सारे होते हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिटेल में पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस, तो एंट्री करने के बाद इसका आंसर जहां हमें मिल रहा है उस डिवाइस को हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, और भी बहुत सारे होते हैं जिसके बारे में आगे हम लोग सीखेंगे। तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। हमने ये डेटा एंट्री किया कीबोर्ड से या माउस से, उसके बाद हमने जब इसका रिजल्ट देखना चाहा तो ये रिजल्ट हमें मॉनिटर पे दिखा। लेकिन ये जो डेटा हमने एंट्री किया कीबोर्ड से और इसका रिजल्ट हमने देखा मॉनिटर पे, तो इस इनपुट के डेटा को आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम सीपीयू करता है, मतलब प्रोसेस करने का काम। जिस तरह से हम से कोई क्वेश्चन किया जाता है तो हम से कोई कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाए तो हम अपने ब्रेन का यूज़ करके उसको सॉल्व करते हैं, मतलब कि हमारा ब्रेन जो है कैलकुलेशंस करता है और उसका रिजल्ट देता है। उसी तरह से कंप्यूटर में जो हम ये डेटा एंट्री किए और ये जो रिजल्ट में मिला वो काम सीपीयू ने किया। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीपीयू के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चौथा जो कंपोनेंट है वो है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट वैसे डिवाइस को कहते हैं जिसमें हम
अपने डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे आप लोग अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाते हो और उसमें डेटा स्टोर करते हो, उसी तरह से कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है। कंप्यूटर में हम जिस तरह से आप देख रहे हो, मेरे कंप्यूटर में ये फ़ोटो सेव है, मेरे कंप्यूटर में फ़ोटो सेव है, मेरे कंप्यूटर में वीडियो सेव है, मेरे कंप्यूटर में ऑडियो सेव है, मेरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सेव है। तो कंप्यूटर का वैसा डिवाइस जिसमें हम लोग वीडियो स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को स्टोर कर सकते हैं, वैसा डिवाइस स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। स्टोरेज यूनिट को मेमोरी यूनिट कहते हैं। तो ये चार कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। इनपुट यूनिट वैसे डिवाइस को कहते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर में हम लोग कोई डेटा एंट्री करते हैं या किसी काम करने का आदेश देते हैं। जैसे आदेश क्या हो गया, जैसे कि ये पेंट है, इसको ओपन करना है, तो हम माउस का पॉइंटर यहाँ पर ले गए और इस पर क्लिक किए तो ये ओपन हो गया, और इसको हमको क्लोज करना है। यहाँ पर माउस का पॉइंटर ले गए और क्लोज किए, तो हमने इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को कि इसको स्टार्ट कर दो, इसको क्लोज कर दो। तो कंप्यूटर का वैसा डिवाइस जिससे हम लोग किसी तरह का इंस्ट्रक्शन देते हैं या किसी तरह का डेटा एंट्री करते हैं, वैसे डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट हमने पढ़ा आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर का वैसा डिवाइस जो आपके इनपुट किए हुए डेटा को प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट जहां पर शो करता है, वैसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर और भी होते हैं, प्लॉटर होते हैं, स्पीकर होते हैं, ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। तीसरा कंपोनेंट्स CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को CPU भी कहा जाता है। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर में अगर हम किसी तरह का डेटा एंट्री करते हैं तो उसको प्रोसेस करता है कंप्यूटर, प्रोसेस होने के बाद उसका रिजल्ट देता है। तो CPU आपके ब्रेन की तरह है, जिस तरह से हमसे कोई काम करने के लिए कहा जाता है, कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाता है, तो अपने ब्रेन का यूज़ करके प्रोसेस करके उसका आंसर बताते हैं, उसी तरह से CPU में आपके दिए हुए डेटा को कैलकुलेट करके आपका आंसर बताता है। स्टोरेज यूनिट चौथा कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर का वैसा डिवाइस जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते, फोटो स्टोर कर सकते हैं, वीडियो स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को स्टोर करके रख सकते हैं, वैसे ही डिवाइस को हम लोग स्टोरेज यूनिट कहते हैं, जिसके एग्जांपल मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे कि इनपुट यूनिट क्या होता है। इनपुट यूनिट में कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, स्कैनर होते हैं, माइक होते हैं, और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जिसके बारे में एक एक करके हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इनपुट डिवाइस के बारे में, पहला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, इसके बारे में जानेंगे। जब इनपुट डिवाइस सारे मैं कंप्लीट कर दूंगा तो आउटपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर होते हैं, प्रोजेक्टर होते हैं, प्रिंटर होते हैं, स्पीकर होते हैं, प्लॉटर होते हैं, एक एक करके हम देखेंगे ये सब के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे CPU क्या होता है, CPU का क्या वर्क है, CPU के कितने पार्ट्स हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्टोरेज यूनिट के बारे में। स्टोरेज यूनिट क्या होता है वो तो हम लोगों ने जाना, पर इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे कि स्टोरेज यूनिट कितने तरह के होते हैं, मेमोरी कार्ड क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, इसके अलावा रैम होते हैं, रोम होते हैं, है ना, फ्लॉपी डिस्क होता है, जीप डिस्क होता है, मैग्नेटिक टेप होता है, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन करते जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपने सीखा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय।